नमस्कार दोस्तों जैसा कि आज के वीडियो में हमने देखने वाले हैं कि एस सी किस तरह से काम करता है इसके पहले वीडियो हमने देखा था कि मॉसपेट ट्रांजिस्टर ये सब किस तरह से काम करते हैं आज की वीडियो हम लोग देखने वाले हैं एस सी जो होता है ये एक रेक्टिफायर है जो कि कंट्रोल रेक्टिफायर है और उसके अंदर एक तीसरा स्विच होता तीसरा टर्मिनल जो होता है उसको हम बोलते हैं गेट और जो यहाँ पर एक होता है एनोड और दूसरा होगा थोड़ ओके तो एक तीन में डिवाइस है एस तो वीडियो थोड़ा फास्ट करूंगा आज तो एस ट्रेन में डिवाइस होता है इसका अगर एक तरह का आर्किटेक्चर इस देखेंगे तो ये फोर लेवर डिवाइस है फोर लेयर मतलब कि P1, N1, P2 और N2. तो यहां से यहां तक ये होगा आपका एनोड ये होगा आपका कैथोड और यहाँ पर आपका होता है गेट गेट अगर पी पे लगा है गेट अगर पी पे लगा है तो इसको ऑपरेट करने वाला वोल्टेज जो होता है पॉजिटिव चाहिए ठीक है क�? अगर गेट आपका पॉजिटिव लगा है तो इसको ऑपरेट करने वाला वोल्टेज पॉजिटिव चाहिए तो इसको जब आपका जैसे क्या ये क्या है एक एसी ए जो अपना वोल्टेज होता है उसको रेक्टिफायर करता है जैसे डायोड होता है ना डायोड डायोड जो होता है वो भी क्या करता है रेक्टिफायर है लेकिन ये अनकंट्रोल है क्या है अनकंट्रोल है और ये क्या है कंट्रोल रेक्टिफायर है क्या है कंट्रोल रेक्टिफायर कंट्रोल इस तरह क्योंकि इसके अंदर एक स्ट्रा टर्मिनल है जिसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर जो वोल्टेज होता है और यहाँ का वोल्टेज मतलब जो यहाँ पर वोल्टेज पड़ा है वो कितना यहाँ पर आना है वो उसको हम इस टर्मिनल के द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं लेकिन अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ पर ऐसा कोई टर्मिनल नहीं है जिससे हम कंट्रोल कर सकें ओके तो ये कंट्रोल एक्टिफायर है ये कैसा है अनकंट्रोल एक्टिफायर है इसका यूज़ ज़्यादातर ट्रांसमिशन लाइन होता है जो आपका जो आपका एसी ट्रांसमिशन होता है वहाँ पर इसका ज़्यादा यूज़ किया जाता है जैसे कि जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी का जो ट्रांसमिशन होता है वो किस तरह से होता है उसका जनरेशन ए होता है उसके बाद में उसको डीसी बनाया जाता है डीसी बनाने के बाद उसको ट्रांसमिट कर दिया जाता है उसके बाद में फिर यहाँ से डीसी टू एसी उसके बाद में फिर यहाँ पर हम लोग यूज़ कर लेते हैं या फिर कोई जो कंपनी होती बड़ी बड़ी उसके लिए फिर यहाँ पर यूज़ के लिए फिर से ए मिल जाता है तो इसका ट्रा... मतलब जनरेशन आपका ए रहेगा ट्रांसमिशन आपका डी रहेगा फिर से डी सी टू ए सी बनाएंगे फिर और ए सी का फिर हम लोग यूज करते हैं तो वहां पर वो थायरेस्टर यूज किया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा वोल्टेज पे वो स्विचिंग कराते हैं इसको ओके आपने देखा थैरिस्टर किस तरह से काम करता है इसके बहुत सारे मतलब थैरिस्टर मतलब क्या है इस, एक एस को हम बोलते हैं एस सी आर थायरिस्टर कि इसका फैमिली के अंदर है मतलब कि बोलते हैं ना थायरिस्टर एक उसका फैमिली का मेंबर है मतलब ऐसा बोल सकते हैं थायरिस्टर जो होता है उसके अंदर ही आपका एस आता है एस उसके बाद क्या आएगा यहाँ पर बहुत सारा है आर और उसके बाद लेजर एक्टिवेट एस सी आर तो यहाँ पर एस जो होता है ये एक जो बहुत ज़्यादा इसकी फैमिली में बहुत ही ज़्यादा ये यूज होने वाला चीज़ है उसके बाद में आर है और ये है हमारा लाइट एक्टिवेटेड एस ठीक है जैसे आपका हमारा फोटो ट्रांजिशन होता है जैसे फोटो के मतलब लाइट से जैसे हमारा ट्रांजिशन एक इस तरह से होता है तो इसके ऊपर हम लोग फोटो मतलब लाइट दे देते हैं बेस के जगह पे क्या देंगे हम लोग लाइट देते तो एक्टिवेट होता है ऐसे ही यहाँ पर एक ए भी इसके फैमिली के अंदर है किसके अंदर थायरिस्टर फैमिली के अंदर है तो उसके ही जहाँ पर गेट लगा रहता है वहाँ पर आप लाइट देंगे तो वो काम करना स्टार्ट करता है ठीक है तो ये हमारा टॉपिक ज़्यादातर ये हमारे अंदर नहीं आता है लेकिन फिर भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है अब हम लोग देख लेते हैं कि जो हमारा टेस्टिंग मेथड होता है जो हम लोग टेस्ट करते हैं कि जैसे डायोड हो गया ट्रांजिस्टर हो गया मॉसपिट हो गया वो किस तरह से टेस्ट करते हैं तो डायोड आपने दे देखा होगा कि इस तरह इसका सिंबल होता है और दूसरे वे में हम लोग इसको अगर सिंपल वे में समझते हैं इसका तो ये होता है पी और ये होता है यन इसको हम बोलते हैं पी आ, पी टाइप का मटेरियल है और ये एक यन टाइप का मटेरियल है ठीक है सेमीकंडक्टर मटेरियल के अंदर हम लोग इम्प्यूरिटी ऐड करके दो टाइप के बनाते हैं एक एन टाइप और एक पी टाइप पी टाइप जहाँ जुड़ा होता है उसको हम बोलते हैं एनोड क्या बोलते हैं एनोड और जहाँ पर एन टाइप जुड़ा होता है उसको हम बोलते हैं कैथोड क्या बोलते हैं कैथोड तो ये दोनों का ही यूज करके हम लोग ट्रांजिस्टर बनाते हैं तो ट्रांजिस्टर किस तरह से बनाएंगे अभी हम लोग देखेंगे तो जहाँ पर एक डिप्लीशन रीजन बनाता है क्या बना रहता है डिप्लेशन रीजन ठीक है ये डिप्लेशन जब हम लोग यहाँ पर वोल्टेज देते हैं तो ये वोल्टेज जैसे कि हमने यहाँ पर बारह वोल्ट दिया ठीक है बारह वोल्ट दिया तो ये डिप्लेशन रीजन कुछ न कुछ वोल्टेज लेता है यहाँ से यहाँ वोल्टेज को पास करने के लिए मतलब एक तरह का टोल देता है टोल लेता है कि यहाँ से अगर यहाँ वोल्टेज पास करना है तो भाई मैं इतने वोल्ट का टोल लूँगा या बोलते हैं ना पैसा लेता है तो वैसे ही यहाँ पर जो इसका डिप्लीशन रीजन की साइज जितनी बड़ी होगी उतना ही ज़्यादा टोल टैक्स लगता है मतलब कि अगर इसका डिप्लीशन अलग अलग मटेरियल के लिए अगर सिलिकॉन का बना हुआ है आपका डायोड सिलिकॉन का बना हुआ है तो वो कितना लेगा एक लेता है जीरो पॉइंट थ्री और एक लेता है जीरो पॉइंट सेवन जर्मेनियम और सिलिकॉन ठीक है तो जर्मेनियम जो होता है आपका जीरो पॉइंट थ्री लेता है और सिलिकॉन आपका क्या लेता है जीरो पॉइंट सेवन ओके तो जब आप यहाँ से वोल्टेज को पास करते हो तो बारह वोल्ट की जगह पे अगर इसका टोल अगर जीरो पॉइंट सेवन रहेगा तो यहाँ पर आपको इलेवन पॉइंट थ्री वोल्ट मिलेगा इतना ध्यान रखिए आप मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि अभी हम पावर सप्लाई स्टार्ट करेंगे चैप्टर तो बाद में फिर ये रिवर्स में हम लोग कुछ नहीं आने वाले हैं तो सीधा पावर सप्लाई आगे मदरबोर्ड सब देखते जाएंगे तो फिर पीछे नहीं आएंगे इसीलिए आपको पहले समझा दे रहा हूँ अब जब हम इसको यहाँ पर सपोज करिए तो वोल्टेज की बात होगी लेकिन जब हम इसको चेक करने आते हैं कोल्ड टेस्ट मोड में तो कोल्ड टेस्ट मोड में कैसा होता है कि जब आप पॉजिटिव प्रॉप्ट को यहाँ पर रखोगे और निगेटिव प्रॉप्ट को यहाँ पर रखोगे कभी जब हम डायोड को टेस्ट करते हैं तो ये कितना ओम दिखाता है वो डिपेंड करता है कि इसका डिप्लीशन रीजन कितना रखा है उसी हिसाब से इसका ओम्स दिखाएगा तो 115 सौ पंद्रह ओम्स से लेके ये आपको साढ़े चार सौ ओम्स तक दिखा सकता है कब जब हम पॉजिटिव पे पॉजिटिव और नेगेटिव पे नेगेटिव रखेंगे तब आप कितने लोग के कि लोग को लगता है कि भाई ये, ये पॉजिटिव है या और ये नेगेटिव है मैंने बहुत लोग मेरे पास भी बहुत स्टूडेंट आए थे सबके अंदर यही कन्फ्यूजन था कि सर ये तो हमेशा पॉजिटिव लाइन पे जुड़ा रहता तो ये पॉजिटिव है ऐसा नहीं है पॉजिटिव हमेशा ये है और ये निगेटिव टर्मिनल है ओके तो ये प्लस है और ये आपका माइनस है वो हम लोग समझेंगे कि किस तरह से ये जुड़ा होता है वो हम लोग जब अभी पढ़ेंगे रेक्टिफायर तो हम पढ़ें उसको हम देखेंगे ठीक है तो यहाँ पर इतना ओम से लेके आपको इतना ओम तक दिखाएगा लेकिन अगर प्रॉप को उल्टा करते हैं जैसे कि यहाँ पर मैंने पॉजिटिव कर दिया यहाँ पर मैंने पॉजिटिव कर दिया और यहाँ पर मैंने निगेटिव प्रॉप कर दिया तो ये कुछ भी नहीं दिखाना चाहिए मतलब कि इनफाइनाइट दिखाता है इनफाइनाइट मतलब आपको कोई ओम शो नहीं करेगा अगर मल्टीमीटर पे वो ओम शो कर दिया तो सपोज करो कि आपका वो डायोड आपका खराब है क्या खराब है डायोड आपका खराब है ओके okay? तो हमने पॉजिटिव पे पॉजिटिव दे रहा हूं और निगेटिव पे निगेटिव तब जाके ये कुछ ओम्स दिखाता है अदरवाइज ये ओम्स नहीं दिखाता है ठीक है ये बात आप ध्यान रखिए वैसे ही ट्रांजिस्टर का वैसे ही ट्रांजिस्टर किस तरह से चेक करते हैं जैसे कि ट्रांजिस्टर आपको मालूम है कि इस तरह से ट्रांजिस्टर होता है दो टाइप का ट्रांजिस्टर होता है आपको मालूम है एक होता है पीएनपी और दूसरा होता है एनपीएन पीएनपी और एनपीएन अब मेरा सपोज करो कि ये ये दो टर्मिनल है इसमें से मैं एक को इमीटर कंसीडर कर लेता हूं और एक को मैं कलेक्टर कंसीडर कर लेता हूं या तो फिर आप इसको कलेक्टर कर लो इसको इमीटर कर लो वो आपके ऊपर है लेकिन बेसमेरा यही है अब ये फिक्स नहीं है कि बेस हमेशा बीच में ही हो जैसे कि हमारा ट्रांसफर होता है इस तरह से मैं पी एन पी ड्रॉ करता हूँ तो ये हमारा हो गया कल इमिटर, ये हो गया हमारा कलेक्टर ये हो गया हमारा बेस ओके तो ये फिक्स नहीं है कि बेस हमेशा बीच में ही हो जब आप ट्रांसर देखते हो ट्रांसफर इस तरह से होता है ऐसा ट्रांसफर होता है तो आप क्या सोचोगे कि हमेशा बीज का ही बेस होगा ऐसा नहीं है बेस कहीं भी हो सकता है बेस कहीं भी हो सकता है वो आपको ढूंढना है ठीक है वो आपको ढूंढना है कि बेस कौन सा है ओके तो यहाँ पर मैं इसको कलेक्ट इसको मैं बेस करता हूँ फर्स्ट पिन को बेस करता हूँ इसको कलेक्टर इसको इमीटर कर सकता हूँ इसका चेंज भी हो सकता है तो अलग अलग ट्रांजिस्टर में अलग अलग तरीके से बेस कलेक्टर मीटर होता है तो आपको उसको चेक करके ही पहचानना है कि कौन सा बेस है कौन सा मीटर है कौन सा कलेक्टर है ये फिक्स ऐसा थेरी नहीं है कि बीच बीच में हमेशा बेस हो ऐसा फिक्स कोई कुछ भी नहीं है ठीक है तो यहाँ पर अब चेक कैसे करते हैं इसको वो चेक पकड़ लेते हैं जैसे हमने डायोड चेक किया था कि जब हमने प्लस पे प्लस दिया प्लस पे प्लस दिया और माइनस पे माइनस दिया तो हमको कुछ ओम्स हो कर रहा था ठीक है समझ में आया तो मैं इसी तरह से प्लस इस पे रखूँगा माइनस इस पे रखूंगा तो वो कुछ कुछ ओम्स दिखाएगा ठीक है लेकिन क्या मैं इसको डायरेक्टली चेक कर सकता हूँ इससे इससे तो आंसर ये है कि नहीं क्योंकि इसके और इसके बीच में एक अलग से मटेरियल प्लेस किया हुआ है जब कभी भी आप चेक करोगे इसके और इसके दरमियान और इसके और इसके दरमियान चेक कर सकते हो आप डायरेक्ट ही कलेक्टर बेस इमीटर से चेक नहीं कर अगर वो दिखाएगा तो आपको वो खराब है ठीक है अब ये कितना उमश दिखाना चाहिए अब ये कितना उमश दिखाना चाहिए तो वही थेरी वही है कि यहाँ पर लेकिन थोड़ी सी थेरी अलग हो जाती है यहाँ पर आपको साढ़े पाँच सौ उम्श से ले क्योंकि इसकी डोपिंग यहाँ पर ज़्यादा की रहती है साढ़े पाँच सौ से ले कर आपको साढ़े सात सौ तक दिखा सकता है कब जब ऐसे आप चेक करो कि तब अब तो होगा यहाँ पर प्लस आपने रखा और यहाँ पर आपको माइनस रखा ओके अब आपको माइनस यहीं पर रखना है माइनस आपको यहीं पर रखना है इस प्रॉप को उठा के यहाँ पर लगाना है अब देखिए यहाँ पर आपने नेगेटिव पे नेगेटिव रखा है पॉजिटिव पॉजिटिव रखा है ये भी कुछ ना कुछ ओम सबको दिखाएगा ठीक है तो कितना दिखाएगा ये साढ़े पाँच सौ उम्स ले कर साढ़े सात सौ तक आपको दिखाएगा अब आप मुझे बताइए कि आपने पॉजिटिव वाला टर्मिनल आपको कितना मिला दो मिला ठीक है आपने एक टर्मिनल पे एक टर्मिनल आपको ये मिल गया फर्स्ट वाला सेकेंड वाला ये अब जिसमें दो पी मिला आपको जिसमें आपको दो पी मिल गया तो वो आपका हो गया पी एन पी क्योंकि पीएनपी में ही दो पी आ रहा है ठीक है पीएनपी में ही दो पी आ रहा है और एक एन आ रहा ठीक है थेके? तो आपको इस तरह से चेक करना है आपको कैसा कलेक्टर टू बेस कलेक्टर टू ये आपका बेस है मैं इसको कैसे निकाल? कलेक्टर टू बेस इमीटर टू बेस आपको चेक करना है ध्यान रखना अगर कलेक्टर टू कलेक्टर इमीटर दिखाया तो समझ लेना वो खराब है अगर ये जीरो उम्स दिखाया इस यहां पर यहां पर, यहा पर जीरो दिखाया और यहां पर यहां पर जीरो दिखाया और यहां पर यहां पर भी जीरो ओम्स दिखाया तो समझ लेना वो शॉर्ट है क्या है शॉर्ट है इतना ध्यान रखना अब वैसे ही यहां पर कैसे कैसे चेक करोगे इसके इसके दरमियान आपको कोई रेजिस्टेंस नहीं दिखाएगा कोई ओम्स नहीं दिखाएगा मतलब ये इनफाइनाइट को जाएगा ओके इट को दूसरी बात कि रिवर्स में नहीं दिखाना चाहिए रिवर्स में जैसे मतलब पॉजिटिव यहां यहा रख दिया और और रख रख दिया आपने, और आपने रख दिया आपने आपने पॉजिटिव ठीक है अगर ये दिखाएगा तो भी वो खराब है मतलब रिवर्स में नहीं दिखाएगा आपने डायोड देखा है डायरेक्ट रिवर्स में दिखा रहा था या नहीं दिखा रहा था वैसे ही ये भी रिवर्स में नहीं दिखाना चाहिए वैसे ही यहां पर आप देखिए कभी भी इमीटर टू कलेक्टर आपको नहीं दिखाया इमीटर टू कलेक्टर आपको नहीं दिखाएगा वैसे ही जब भी आप चेक करोगे बेस टू इमीटर और कर, बेस टू कलेक्टर इस तरह से चेक करना है और एक ही साइड में दिखाएगा दूसरे साइड रिवर्स करोगे तो आपको नहीं दिखाएगा वैसे ही आपको कौन सा चेक करना है मैं पी एन पी हो गया अब एनपीएन का बताता हूँ आपको ओके तो ये दोनों टर्मिनल हमारा हो गया ये दोनों टर्मिनल कौन सा हो गया ये हो गया हमारा कलेक्टर लेते हैं इसको हम इमीटर ले लेते हैं ओके यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन क्रिएट करूंगा अभी वो आपको बताना रहेगा कमेंट करके अब यहाँ पर मैंने क्या कर दिया बेस कर दिया ओके अब इसका सिंबल किस तरह से होता है एरो हमेशा बाहर की तरफ कलेक्टर इमीटर आपका बेस ओके okay? अब आप यहाँ पर रखो पॉजिटिव में आपको यहाँ रखना है और उसके बाद में यहाँ से यहाँ चेक करना है वैसे ही और निगेटिव आपको यहाँ रखना है एक निगेटिव हो गया दो निगेटिव हो गया एक पॉजिटिव हो गया ठीक है जिसमें आपको एक पॉजिटिव मिले और दो निगेटिव मिले निगेटिव मतलब निगेटिव प्रॉब आपको यहाँ रखना है और एक यहाँ रखना है ठीक है जिसके साथ में जिसके साथ में दोनों जिसके साथ में मतलब कि एक को आपको कॉमन रखना है एक को आपको एक प्रॉप को कॉमन कौ, रखना है और उसके बाद में एक प्रॉप को इंटरचेंज करके देखना है आपको एक प्रॉप को इंटरचेंज करके देखना जैसे कि यहाँ पर सप, सपोज करो कि ये आपका ट्रांजिस्टर है पहले मैंने इस पेपर ब्लैक प्रॉप रख लिया कौन सा ब्लैक वाला फिर इसके बाद हमें रेड प्रॉप इस पर लगाया अगर ओम्स दिखाया है तो फिर से ये प्रॉप उठा के यहाँ पर लगा दीजिए ओम्स दिखाया तो आपने यहाँ पर प्लस रखा ओम्स दिखाया यहाँ पर भी प्लस रखा ओम्स दिखाया तो ये कितना हो गया पॉजिटिव पॉजिटिव दो हो गया और एक आपका ये निगेटिव हो गया ठीक है वैसे अगर आपका ये सपोज कि यहाँ पर आपके रखने से नहीं दिखाया ठीक है सपोज करो कि आपने यहाँ पर ब्लैक रखे आपने कुछ नहीं दिखाया फिर यहाँ पर क्या कीजिए आप रेड रख दीजिए रेड रख दीजिए अगर यहाँ पर आपको ब्लैक रखने से दिखाया निगेटिव निगेटिव तो ये समझ लो कौन सा हो गया एन पी एन हो गया अब कभी कभी आप समझ बीच बीच में दे दिया तो बीच में आपका बेस है तो आप यहाँ पर ब्लैक रख दीजिए वहाँ पर नहीं दिखा रहा तो यहाँ पर रख दीजिए आप ब्लैक रखिए फिर एक यहाँ पर रख दीजिए प्लस वाला और यहाँ पर प्लस वाला रखिए अगर दिखाया तो बीच का आपका बेस जिसके साथ में दोनों का कंटिन्यूटी दिखाता है उसको हम बोलते हैं बेस कंटिन्यू मतलब जिसके साथ में दोनों का ओम्स दिखाएगा उसके उसको हम बोलेंगे बेस अब एक इमीटर और बेस के बीच में अंतर क्या है जो इमीटर होता है जो इमीटर होता है उसका रजिस्टेंस हमेशा थोड़ा ज़्यादा रहता है किसी किसी का सेम रहेगा जैसे निकाल देख लेना नहीं तो अगर आपको किसी का ओम्स आपको ज़्यादा दिखाया जैसे कि बेस के यहाँ पर रखो बेस और मीटर के साथ में आपको दिखा रहा है कितना ओम्स सपोज करोगे फाइव फिफ्टी दिखा रहा है ठीक है अगर यहाँ पर फाइव से फिफ्टी